हेलो एवरीवन, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिर्जा और हमारा आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। तो आप लोगों ने जैसे मेरे पिछले वीडियो में एमएस वर्ड का वीडियो देखा होगा, एमएस वर्ड में मैंने आप लोगों को होम मेन्यू कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करेंगे इंसर्ट मेन्यू। तो जब हम बात कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू की, तो आप देखेंगे इंसर्ट का मतलब किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना या डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करना। तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट मेन्यू के थ्रू करेंगे। तो इंसर्ट मेन्यू में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कवर पेज। कवर पेज आप जैसे बुक देखते हैं या नोटबुक देखते हैं, उसके ऊपर एक अलग से कवर पेज होता है। उस तरीके से अगर आप यहाँ प्रिंट निकाल रहे हैं किसी बुक का या किसी रिपोर्ट्स का, और उसका आप एक कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके कवर पेज का ऑप्शन होता है। उस कवर पेज के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ से कवर पेज चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का कवर पेज पसंद है। आपको जो कवर पेज पसंद है आप उसको सेलेक्ट करें। आप देखेंगे आपका कवर पेज यहाँ इंसर्ट हो गया है। तो अब वही डॉक्यूमेंट टाइटल की आपका डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन आपका कवर पेज मांग रहा है, आप वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कवर पेज पे दे सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए डॉक्यूमेंट टाइटल है एमएस वर्ड, सब टाइटल है मान लीजिए इसका वर्जन है 2010। अब इसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या कर रही हूँ, या आप लोगों को ये जो बुक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वो चीज़ें मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रक्शन में इसके लिख दी, इसकी डिटेल्स में मैंने इसमें टाइप कर दी। तो अगर आप अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे फाइल पर जाकर, प्रिंट में जाकर, तो आप देखिए फर्स्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट का कवर पेज इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा। फिर नेक्स्ट में आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कवर पेज रिमूव करना हो तो यहाँ पर आइए और रिमूव करंट कवर पेज, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कवर पेज को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका कवर पेज रिमूव हो गया है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अगर आपको अपने कर्सर की पोजीशन पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, सपोज दैट माउस और जॉयस्टिक के बीच में मेरे को एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं अपना कर्सर उस पोजीशन पे रखूंगी और इंसर्ट कर दूंगी ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज पे इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपका जो माउस है और नीचे जो जॉयस्टिक वर्ड लिखा हुआ था, उन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज, एक खाली पेज क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका पेज ब्रेक। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ तक लिख दिया, अब बाकी डिटेल आपको अगले पेज पे चाहिए, तो एक तो तरीका है आप एंटर प्रेस करेंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे अगले पेज पे ले जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये वर्क करने के अकॉर्डिंग क्या है, सही नहीं है। अगर आपको क्या करना है, यहाँ से बस पेज को कंप्लीट करके नए पेज पे जाना है, तो आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। तो आप पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको डायरेक्ट आप एक ही बार में क्या आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। तो पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस रिटर्न की होता है, तो रिटर्न एंटर की को ही बोला जाता है, तो कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, होम मेन्यू पे यहाँ पर एक ऑप्शन था शो मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए अब जहाँ हम एंटर प्रेस करते हैं वहाँ पर इस तरीके का साइन आता है, ये रहा। जहाँ मैं टैब प्रेस करूँगी वहाँ पर एरो का साइन आएगा लाइक दैट, और जहाँ पे हमने पेज ब्रेक लिया है वहाँ पेज ब्रेक दिखा रहे हैं। अगर आपने इन्हें अपने इन्हें वापस से हाइड करना है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। तो ये आपके इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक। तो पहला जो ऑप्शन था पेजेस का, उसमें तीन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, टेबल फॉर्मेट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखाती हूँ, हम गए इंसर्ट मेन्यू में टेबल। अब देखिए तीन तरीके से आप इसमें मेनली टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ तो यहाँ दे रखी हैं, जैसे दो कॉलम और वन रो की टेबल हो गई है, तीन कॉलम वन रो, तीन कॉलम टू रो, तीन कॉलम तीन रो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
10 कॉलम और 8 रो के टेबल यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको जितने कॉलम या रो के टेबल चाहिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, आप यहाँ पर आओ इंसर्ट टेबल में, यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए। मान लो नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे को 3 चाहिए और नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, मान लो मेरे को 15 चाहिए। तो मैं यहाँ 3 कॉलम और 15 रो की क्या कर सकती हूँ, टेबल इंसर्ट कर सकती हूँ। कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ ऑटो है, आप अपनी मर्जी से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ओके करूँगी आप देखेंगे 3 कॉलम और रोज़ की टेबल क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। अब देखिए जैसे ही टेबल लेते हैं तो क्या ओपन हो जाते हैं, टेबल टूल। टेबल टूल में क्या, मान लीजिए हेडर रो को अलग से दिखा, एक मिनट मैं यहाँ कोई स्टाइल अप्लाई कर लेती हूँ टेबल का। जैसे ही टेबल टूल का स्टाइल अप्लाई कर लिया हमने, अब इसमें देखिए ये हेडर रो आ रही है, आपने इसको नहीं देखना अलग से, आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए, हेडर रो नहीं करेगी। टोटल रोज तो टोटल रोज पे काम होगा, बैंडेड रो तो बैंडेड रोज पे, ये स्टाइल पे अप्लाई करते हैं। देखिए अब जैसे ये बैंडेड रो है, आपने बैंडेड रो नहीं देखनी तो हटा दीजिए, टोटल रोज पे नहीं देखना तो होता है, फर्स्ट कॉलम को नहीं देखना। अब ये कॉलम स्टाइल अप्लाई होना चाहिए तब ये काम करेगा। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम पे अगर अब आपको ये चीज़ नहीं देखनी तो आप इसको हटा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई टेबल स्टाइल अप्लाई कर रखा है जिस पे लास्ट कॉलम में इंसर्ट हो जैसे ये टेबल स्टाइल है, आप लास्ट कॉलम पे भी ये चीज़ करना चाहते हैं, बैंडेड कॉलम रखना चाहते हैं, तो जो टेबल स्टाइल आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर कर देंगे तो आपकी जो टेबल है वो कॉमन रह जाएगी। तो ये आपकी टेबल है, तो टेबल के स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो टेबल इंसर्ट करना चाहें वो आप कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल। आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो जिस तरीके की टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, करना चाहते हैं आप, वैसा ही पेन कलर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रीन कलर में लगाना चाहती हूँ, बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है, बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है, आप जिस तरह की टेबल को इंसर्ट करेंगे, जैसी टेबल आप बनाना चाहते हैं वैसी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। अंडू कर रही हूँ एक बार मैं, इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल। तो जो कलर या जो डिज़ाइन हमने चूज़ किया था उसी में ये टेबल क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो आप अपनी मर्जी से जिस तरीके की टेबल आपको चाहिए वो टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। सपोज डैट आपसे गलती से कोई चीज़, ये चीज़ बन गई है, आपको ये नहीं चाहिए था, तो आप यहाँ से इरेज़र का यूज़ करके इसको क्या करें, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन काम करेगा। उससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आगे वैसे हम करेंगे, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है एमएस एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर शीट आप वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल की शीट क्या हो जाएगी, आपकी वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। आप इसमें जो भी काम करना चाहते हैं आप कीजिए। तो इस तरीके से आप जो भी टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी टेबल क्या आ जाएगी, एमएस एक्सेल की टेबल आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। एमएस एक्सेल की टेबल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का एक फ़ायदा ये है, अगर आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला अगर आप टेबल पर लगाना चाहते हैं तो वो आप इस टेबल पर आराम से लगा सकते हैं। अब वो वैसे हम एमएस एक्सेल में ही करेंगे कि किस तरीके के टेबल या फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। तो यहाँ पर कुछ टेबल्स के
टेम्पलेट भी बोल सकते हो आप इसको, बने हुए हैं। आप उस तरह जिस तरीके की टेबल इंसर्ट करना चाहो उस टेबल की आप फॉर्मेट लो और आपको जिस तरीके की टेबल चाहिए वो आप इंसर्ट करो। अब आप इसमें क्या है, डाटा को चेंज कर सकते हो। आपकी एक टेम्पलेट टेबल आपके सामने क्या आ गई है, आ गई। मैं यहाँ पेज ब्रेक लगा देती हूँ एक बार, इससे आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, क्विक टेबल, मतलब पहले से बनी हुई कुछ टेबल्स हैं। अगर आपको उसी फॉर्मेट में टेबल चाहिए थी तो आप क्या करें, इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो हम यहाँ करेंगे, यहाँ कर लेते हैं इस पैराग्राफ पे। देखिए मैं यहाँ कुछ कोमास लगा रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है, ये आपको कहा जाएगी पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना था, आपको इस डाटा को टेबल फॉर्मेट में लिखना था। तो आप जो टेक्स्ट आप लिख चुके हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। आप इंसर्ट में आएंगे, टेबल पे आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखिए आप किससे पैराग्राफ जहाँ चेंज है, मतलब जहाँ एंटर प्रेस किया गया है वहाँ से टेबल को इंसर्ट करना, कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जो कोमा प्रेस किए गए हैं, कोमा बनाए गए हैं वहाँ पर आप इसको टेबल कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आपने टैब या अदर सिंबल में आपने कोई सिंबल लगा रखा है। तो मैं कोमा में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ कोमा को सिलेक्ट करके और ओके करूँगी। आप देखेंगे जहाँ जहाँ कोमा लगा था वहाँ वो क्या है, टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लिखे हुए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि पैराग्राफ या कोमा, अगर आपने कोई साइन लगा रखा है आप उस साइन के हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उस साइन के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट का साइन लगा रही हूँ मैं हर जगह पे, जहाँ से मेरे को इसको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, टेबल में। तो अब आप देखिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट में जाऊंगी, टेबल में जाऊंगी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अदर सिंबल में मैं यहाँ पर वो सिंबल टाइप कर दूंगी जिसमें मुझे क्या करना है, टेबल को कन्वर्ट करना है। तो ओके किया तो वहाँ जहाँ जहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया था वहाँ वहाँ से वो जो आपकी टेबल टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। नेक्स्ट ये हो गया आपका टेबल ऑप्शन। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स पड़ी हैं और आप उन पिक्चर्स को क्या करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो पिक्चर लें और उस पिक्चर को क्या कर लें, आपकी डॉक्यूमेंट में क्या कर लें, इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप एक पिक्चर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसके चारों ओर जो कंट्रोल बटन बोलते हैं इसको, या रेडियो बटन्स हैं ये, इनको आप क्या कर सकते हो, इससे आप फ़ोटो को छोटा या बड़ा, इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो। और ये जो ग्रीन बटन है इससे आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो पिक्चर को। तो एक तो ये हो गया आपका। उसके अलावा जैसे ही हम पिक्चर लेते हैं, पिक्चर के टूल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप करेक्शन कर रहे हैं कोई भी, मतलब इसमें देखिए आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है इसकी, आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं पीछे पिक्चर की ब्राइटनेस क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो आप करेक्शंस में इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर की कोई इफेक्ट या थीम लगाना चाहें, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन थीम लगा दिया, तो आप इस तरीके से इसकी सॉरी आप इस तरीके से इसकी क्या है, कलर की थीम चेंज कर सकते हैं। मैं अंडू कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट पर आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा दिया, लाइट स्क्रीन कर दिया, या आपका पेस्टल स्मूथ है, मतलब अलग अलग तरीके के आपका ग्लास टाइप इस पिक्चर को बना दिया, तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट होते हैं। आप ये वाले इफेक्ट्स भी क्या कर सकते हैं, आपकी पिक्चर पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है पिक्चर की स्टाइल, तो इसमें पिक्चर पर अगर आप किसी तरीके का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टाइल क्या हो जाएगा, पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा कि आपकी पिक्चर किस तरीके की दिखाई दे। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, तो ये पिक्चर का स्टाइल है। ठीक है, अंडू कर रही हूँ वापस से। उसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर का बॉर्डर। अगर बॉर्डर की मोटाई देखो आप कितनी रखना चाहते हो, तो पिक्चर के चारों ओर उतना ही मोटा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए ये ले लिया। उसके बाद बात करते हैं पिक्चर बॉर्डर में, पिक्चर बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, आउटलाइन का कलर क्या चाहिए आपको। ये मान लीजिए मैंने डार्क ब्लू ले लिया,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर पिक्चर बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो आप पिक्चर बॉर्डर का स्टाइल भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये पिक्चर बॉर्डर का स्टाइल है आपका। अगर आपने पिक्चर का बॉर्डर हटाना है तो आप क्या करें, नो आउटलाइन में चले जाएं, वहाँ से पिक्चर का बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद पिक्चर पर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे प्रीसेट है, अगर आप इसे प्रीसेट में देखना चाहते हैं आपकी पिक्चर को, आप नोट कीजिए। अब देखिए इसके जो बाउंड्री है, उसके जो कॉर्नर्स हैं उस पर क्या है, इफ़ेक्ट लग गया है, तो प्रीसेट नहीं करना तो नो। इसी तरीके से अगर आप पिक्चर इफ़ेक्ट में पिक्चर की शेडो देखना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए कि आपकी जो पिक्चर है उसके साथ साथ आपकी क्या है, पिक्चर की शेडो, इस तरीके से ये वाली जो शेडो है ये दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, पिक्चर की शेडो। अंडू कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन। तो इसी तरीके से पिक्चर का अगर आप रिफ्लेक्शन देखना चाहें तो आप पिक्चर का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आप देखिए पिक्चर का रिफ्लेक्शन आने लग गया है नीचे यहाँ पर। तो अगर आपने पिक्चर का रिफ्लेक्शन नहीं देखना है तो आप नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ये पिक्चर का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्लो। तो पिक्चर के चारों ओर अगर आप किसी तरीके का ग्लो देना चाहते हैं तो आप वो ग्लो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर के चारों ओर एक पिंक कलर की शेड दिखाई देने लग गई है। उसके बाद है सॉफ्ट एजेस। अगर आप पिक्चर के एजेस को यानी कॉर्नर्स को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर के कॉर्नर्स को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। अब आप नोट कीजिए, ये देखिए पिक्चर के जो कॉर्नर्स है वहाँ क्या आ गई है, सॉफ्टनेस आ गई है। तो इस तरीके से आप एजेस को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है बी लेवल इफेक्ट लगा सकते हैं। 3D रोटेशन में आप पिक्चर को 3D में रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपके हैं, ये आपके क्या रहेंगे, पिक्चर्स के इफ़ेक्ट। उसके बाद बात करते हैं पिक्चर की पोजीशन, कि आपका जो पिक्चर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज में कहाँ आए। मैं पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, उससे आप पिक्चर की पोजीशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अभी पिक्चर आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी कि जो पिक्चर है वो टॉप में है, ठीक है, ऊपर है। तो पोजीशन में देखिए पिक्चर कहाँ रहे, टॉप में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, टॉप में, और कॉर्नर में यानी राइट साइड में, टॉप में। आपको पेज के बिल्कुल सेंटर में चाहिए, पेज के सेंटर में, लेफ्ट में चाहिए, या सेंटर के राइट में चाहिए, बिल्कुल नीचे चाहिए, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। तो वो पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं, आपको जिस तरीके की पोजीशन डॉक्यूमेंट में चाहिए। रैप टेक्स्ट, अब देखिए कई बार क्या होता है, जब हम अभी क्या है, अब हम यहाँ देखिए टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसके स्क्वायर में लिखा जा रहा है टेक्स्ट, फिर ये नीचे आ गया। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से स्क्वायर में ना बने, ये क्या रहे, इन लाइन विद टेक्स्ट रहे, मतलब टेक्स्ट में लाइन में लगा हुआ रहे, देखिए इन लाइन विद, तो पिक्चर के स्क्वायर में टेक्स्ट नहीं लिखा गया यहाँ, ये क्या लाइन से, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, जैसे लाइन में फर्स्ट ये है और उसके बाद लाइन इसके आगे से शुरू हो गई। अगर आप चाहते हैं स्क्वायर में रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में, जैसे ये देखिए, तो अब ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, पिक्चर के स्क्वायर में आ गया। अब रैप टेक्स्ट में क्या है, आप देखिए थ्रू, टॉप या बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट तो पिक्चर टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाएगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो पिक्चर क्या आ जाएगी, टेक्स्ट के फ्रंट में। एडिट रैप पॉइंट्स, तो मान लीजिए मैं रैप पॉइंट क्या कर रही हूँ, यहाँ तक कर रही हूँ, देखिए ये, तो जो टेक्स्ट है वो रैप पॉइंट तक नहीं आता, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टेक्स्ट है जितना रैप पॉइंट हम बना देंगे टेक्स्ट उस रैप पॉइंट के आगे से शुरू होगा, उस रैप पॉइंट पे टेक्स्ट नहीं आता। तो आप जिस तरीके से चाहते हैं पिक्चर को उस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट। तो देखिए जो पिक्चर्स होती हैं वो भी फोटोज़ ही होती हैं, कलेक्शन होता है, वो किसका कलेक्शन होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स या फोटोज़ पड़ी हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ग्राफिकल आर्ट्स होती हैं, इसमें ग्राफिकल वेक्टर्स होते हैं, ग्राफिकल आर्ट्स डाली हुई हैं जो MS ऑफिस की खुद की लाइब्रेरी में इनबिल्ट हैं, तो वो आप क्या है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने तो कंप्यूटर लिख रखा है इसलिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही दिखा रहे हैं, तो ये सारी जो आर्ट्स हैं वो आपकी क्या है वर्क करेंगी। अब मान लीजिए आप इसमें क्या है फ्लावर यूज़ करना चाहते हैं, फ्लावर वाली ही आपको इमेज लेनी है, तो आप देखिए यहाँ फ्लावर वाली इमेज आ गई, आप जिसको इंसर्ट करना चाहें वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये इंसर्ट हो जाएगा। देखिए क्लिप आर्ट है तो वो भी एक फ़ोटो ही यानी पिक्चर ही है, तो सेम पिक्चर टूल इस क्लिप आर्ट के लिए भी क्या हो जाएंगे, ओपन
हो जाएंगे। जैसे आपने क्रॉप करना है, आपको ओनली फ्लावर चाहिए था, आपको ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, यहाँ से इसको क्रॉप कर दीजिए, तो आपकी जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेम टूल्स, पिक्चर टूल क्लिप आर्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका, वो क्या है आपका, शेप्स। तो आप एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट में आपके वर्ड के आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की शेप को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा छोटे होते हुए आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें कॉल आउट्स बने हुए होते थे कि कौन बात कर रहा है, या तो इस तरीके की जो शेप्स हैं वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप शेप लेंगे वो क्या है, ड्राइंग टूल ओपन हो जाता है। तो ड्राइंग टूल में आप शेप के क्या कर सकते हैं, देखिए स्टाइल्स को, कलर्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको किस तरीके का कलर या स्टाइल चाहिए, उस तरीके का कलर या स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, अब जैसे ही मैंने शेप ली, इसमें देखिए एक येलो मार्क ओवर आता है, येलो से क्या आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरीके की शेप चाहिए, जैसा कॉल आउट आपने दिखाना है, तो आप यहाँ से क्या है, येलो से इसके एंगल्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे आपने ये शेप ली है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कॉल आउट है। अब देखिए शेप ले ली जैसे आपने, तो आप शेप को फिल अगर किसी अलग कलर से करना चाहते हैं तो आप शेप को अलग कलर से फिल करें। शेप की आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो शेप की आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप पर इफेक्ट सेम थिंग है, शेप पर अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप, तो शेप पर इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे शेडो का तो नीचे आ रही है तो पीछे चली जाएगी शेडो, तो जैसा इफेक्ट आप लगाना चाहें वैसा इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कॉल आउट के साथ साथ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये क्या है, एक शेडो भी साथ में चल रही है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं लगानी हैं तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, शेप है। अच्छा, इसमें एक शेप में एक ऑप्शन और भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। उसके बाद एक और शेप इंसर्ट कर रही हूँ मैं डॉक्यूमेंट में, इंसर्ट शेप। ये मैं यूज़ करके सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके से इनका यूज़ करके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। अब आपने इसमें भी कुछ सेम वही थिंग है, आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप इन दोनों शेप्स को क्या है, जॉइंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको मूव करें तो इसकी पोजीशन भी इसके साथ अपने आप मूव हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग टूल में जाकर और शेप पे ग्रुप कर सकते हैं। शेप को आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रुप का। तो आप क्या करें, शेप, एक शेप को सिलेक्ट कीजिए और दूसरी शेप को उसके साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन को दबा के रखिए, तो दोनों शेप एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। और आप ग्रुप ऑप्शन में जाके इसको क्या कर दीजिए, ग्रुप। अब ये दो शेप की तरह नहीं, ये सिंगल शेप की तरह काम करेगा। आप एक को मूव करेंगे तो साथ में दूसरी भी क्या होगी, मूव होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप को ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें वापस से अनग्रुप करना है तो आप यहाँ से अनग्रुप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप ऑप्शन शेप में काम करेगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी चीज़ को थोड़ा स्मार्टली डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाएगा। तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ बहुत तरीके के हैं। अगर आपने किसी लिस्ट को दिखाना है तो लिस्ट, कोई प्रोसेस दिखानी है, जैसे मैं कोई प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ, मैंने ये स्टाइल ओपन कर लिया। जैसे एक प्रोसेस है हर स्कूल या कॉलेज की, सबसे पहले एडमिशन होते हैं, फिर क्लासेस यानी स्टडी करवाई जाती है, और उसके बाद क्या लिया जाता है, एग्ज़ाम। तो ये एक प्रोसेस है, मुझे प्रोसेस दिखानी थी तो मैं चाहती तो इसको शेप लेकर भी दिखा सकती थी। शेप लेकर किस तरीके से, मैं यहाँ पर लिखती एडमिशन, फिर प्रोसेस को दिखाने के लिए मैं इंसर्ट शेप करती, फिर वापस से क्लासेस लगा यहाँ दिखाती क्लासेस,
फिर वापस से इंसर्ट करती, फिर यहाँ मैं क्या दिखाती, एग्ज़ाम। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऊपर नीचे कर रही हूँ एडमिशन, या कोई अक्षर स्पेलिंग, तो देखिए ये वाला मैंने मान लीजिए ये स्मॉल किया, तो देखिए ये शेप कहाँ रह गई। अब इस शेप को दोबारा से सेट करो, तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स इस चीज़ में रहती हैं। तो अगर आप किसी प्रोसेस को, किसी क्लासिफिकेशन को कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करें, आप इन मैनुअली इस चीज़ को क्रिएट करने की जगह स्मार्ट आर्ट का यूज़ करें। तो स्मार्ट आर्ट से आप क्या है, इस तरीके की चीज़ें आसानी से दिखा सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट टूल में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं चेंज कलर, तो आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी, तो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं कि आप किस तरीके का देखना चाहते हैं। तो एक तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस आपको भी जो काम करना है वो आसान रहेगा। इस वजह से इसको स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। जैसे एक चीज़ और यूज़ करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। स्मार्ट आर्ट में गए हम, स्मार्ट आर्ट में जाकर अगे तो प्रोसेस दिखाया, जैसे किसी चीज़ का साइकिल दिखाना है या हायर की दिखानी है, तो अपने हायर की जैसे इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं बोल रही हूँ कि आपका, मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर ही लेकर चलती हूँ। तो कंप्यूटर, अब कंप्यूटर कितने तरीके का होता है, बेसिकली तीन तरीके का पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो आप यह क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड शेप, तो ऐड शेप बिलो, तो इसके नीचे आप देखेंगे एक शेप और आ गई। तो आप किसी भी शेप को रिमूव करना है या ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया। अब एनालॉग में दो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ें रिमूव करनी है, तो अपने इसको क्या कर देंगे, रिमूव। डिजिटल में ऐड करना है तो अपने इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से हटाना है, तो इसका सबसे आसान तरीका आप इसको सेलेक्ट करें और कट ऑप्शन का यूज़ कर लें। कट के लिए शॉर्टकट की आप लोगों को याद होगी, एक बार आप माइंड में सोचिए क्या होती है कट की शॉर्टकट की, तो आप लोगों ने शायद कंट्रोल एक्स सोचा होगा, तो कंट्रोल एक्स। तो इस तरीके से आप क्या है, जो भी हायर की है वो बना सकते हैं, कलर स्कीम दे सकते हैं, तो जो कलर स्कीम आपको देनी है, जो स्टाइल आपको देना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है स्मार्ट आर्ट का यूज़ करने के बाद। तो ये आपका क्या है, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, टाइम की कमी होते हुए आज मैं आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इंसर्ट मेन्यू का आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।